Okay, so let's start rule 3. See, in rule 3, beta jo hai is type ka hoga. Evaluation of integrals of various types. Type 1 jo dekho is type se hai dx upon ax square plus bx plus c. Yani denominator mein kya ho? Ek quadratic equation ho. Ya dx upon under root quadratic equation ho. Thik hai? ठीक है, या ऐसे रहे अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हम कौन से रूल को प्रोसीड करते हैं, तो ये तीन टाइप के फॉर्म से होगा. तो सबसे पहले मैं फॉर्म लिख दे रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्मूले यहां पे लगेंगे, तो आप लोग इसे पहले मेमोराइज कर लो, उसके बाद जो है देखो. तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं. इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे. ठीक है, चाहे रूट में हो चाहे ऐसे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड देन अप्लाई द स्टैंडर्ड रिजल्ट. कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाते हैं, तो देखो पहला रिजल्ट ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म में रहे, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले भी लिखा था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, लिखते हैं बेटे प्लस सी. ठीक है, सेकंड ये तो फर्स्ट हो गया. देखो सेकंड किस टाइप से आएगा, अगर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा, तो इसको क्या लिखोगे, यू कैन राइट 1/a tan इनवर्स x / a, इज इट ऑल राइट, प्लस सी. एंड थर्ड वन ये अगर मान लो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रल है ये, तो इसको लिखोगे 1/2a log a प्लस x अपॉन ए माइनस एक्स. ठीक है, प्लस सी. अगर मान लो फोर्थ टाइप इस टाइप से आए कि डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस टाइप से आए, तो इसको क्या लिखोगे, 1/2a. ठीक है, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, एंड प्लस सी. अगर मान लो बेटा इस टाइप से है dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. तो ये तो रह गया कौन सा, ये तो हो गया बेटा जब इस टाइप का इंटीग्रल आए. ठीक है, अब देखो अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन हो सिक्स टाइप, तुम लिख सकते हो सिक्स टाइप क्या है, कि अगर मान लो कि इस टाइप का इंटीग्रल है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्लियर, पहले रफ करने दो. ओके, अंडर x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, ये बेटा हम तब लगाएंगे प्लस c. ये हम कब लगाएंगे, जब कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो इसी टाइप से आएगा. या सेवेंथ हम बोल सकते हैं इस टाइप का हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये सभी बेटे फॉर्मूला इसको याद करके रखना है. ठीक है, x by 2 root a square plus x square, ठीक है, plus a square by 2 log x plus under root x square plus a square and plus c. And last जो है under root इस टाइप से रहे x square minus a square into dx, तो इसको हम लिखेंगे बेटे x by 2 under root x square minus a square minus a square by 2 log x plus under root x square minus a square. ठीक है, and plus c. तो इसे ये सात फॉर्मूले ही इस जो भी इस टाइप के इंटीग्रल आएंगे तो उसमें लगेंगे. ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। देखो, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आए या अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में आए या ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में इस टाइप से आए, तो इन आठ में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सिंपली यू हैव टू मेमोराइज इट। ये सभी के सभी बेटे क्या है, ये फॉर्मूले हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इट्स ए फॉर्मूले, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, तो सिंपली यू हैव टू मेमोराइज इट। अब देखो, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं कि हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। ओके, तो सी प्रॉब्लम नंबर वन, क्वेश्चन वन। अगर मान लो हमें सॉल्व करना हो इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना हो, तो देखो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो इसका प्रोसेस क्या है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अभी मैंने बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, देन अप्लाई अबव एनी वन ऑफ अबव एट फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, यही आठ में से कोई एक फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, देखो हम प्रोसीड कैसे करेंगे। सी सॉल्यूशन, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो dx अपॉन, देखो यहां से 2 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बचेगा। अब देखो, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो मैंने बताया था तुम लोगों को रूल, देखो बेटा क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, तो यहां साइन देखो एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट के बीच का साइन है प्लस। अब देखो x के कोएफिशिएंट को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहां साइन प्लस है, तो सिंपली यू हैव टू राइट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो क्वांटिटी यहां है उसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस कर देना है, सिंपल, एंड प्लस 10 का प्लस 10 लिख दो। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करोगे, 1 बाई 2 तो एज इट इज रहा होगा, ये देखो dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 प्लस 10 कितना आ जाएगा, प्लस 6 आएगा। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे, देखो dx अपॉन क्या लिखोगे बेटे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 6 है तो 6 को क्या लिखोगे, रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, एक दो बार मैं लिख देता हूं फिर डायरेक्ट कर दिया करूंगा, ये रूल लगेगा, क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी, ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब x प्लस 2 को t मानोगे तो x का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, चलो एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, लेट कर लो x प्लस 2 को बेटा मान लो t, क्या मान लो t। अब देखो जब x प्लस 2 को तुम t मानते हो, ठीक है, तो यहां से dx किसके बराबर आएगा, dx x का डेरिवेटिव 1 और ये x का फंक्शन, इसलिए dx आएंगे, dx इज इक्वल टू dt, तो इसको क्या लिखोगे तुम, 1 बाई 2 अंडर रूट, देखो dx यहां पे क्या लिखोगे, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको क्या लिखोगे, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई ए मतलब रूट 6 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू रूट 6, ठीक है बेटे, टेन इनवर्स, अब देखो प्लग द वैल्यू ऑफ टी, ये टी क्या एक्स प्लस 2 है, तो एक्स प्लस 2 बाई रूट 6 प्लस सी, दिस वन इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स। ओके, क्लियर, चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है, बस आप लोग को फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, सी, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, dx अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो बेटा हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो यहां पे मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करने से पहले मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि इस पे बेटा जो भी 8 फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे उन सबको आप टिप्स पे एकदम रट लो, अच्छे से कर लोगे फिर क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलो तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट रहेगा। अब देखो मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, पहला कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाओ, तो माइनस कॉमन ले लो, रूट के अंदर ही रहेगा। माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 बनेगा, ठीक है बेटा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देखो इसको क्या लिखोगे, dx अपॉन अंडर रूट तो रहेगा ही, माइनस भी रहेगा। अब देखो एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 8 बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 4। तो x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं और एक्स स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट के बीच का जो साइन आएगा वही साइन यहां रखेंगे, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस जो क्वांटिटी यहां है उस क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, माइनस 9 एज इट इज रहा होगा, ठीक है बेटे, यस। नाउ dx अपॉन, अब देखो ये अंडर रूट, ये माइनस साइन एज इट इज रहा, अब इसको एंट्री कराओ क्या आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 जा 16, 16 और 9 25, ठीक है, और माइनस एंट्री करा दो क्विक, तो देखो क्या मिलेगा, dx अपॉन, अब देखो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली यू कैन राइट अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यूज कॉन्सेप्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बोलिए, साइन इनवर्स एक्स बोले तो एक्स माइनस 4 बाई ए बोले तो 5 है प्लस सी, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1। ओके देखो तो 1 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले बेटा देखो क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो देखो फटाफट इसका परफेक्ट स्क्वायर करो, तो देखो क्या लिखोगे इसको, dx अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है 6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, यहां साइन क्या है माइनस तो यहां भी माइनस लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो क्वांटिटी यहां रहेगा उसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब देखो 3 या 9 तो माइनस 9 प्लस 13, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 4, क्लियर, प्लस का 4 आएगा। अब देखो क्या करोगे, अब इसको बेटा तुम ऐसे लिखो, देखो dx अपॉन क्या लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अब x माइनस 3 को t मान लो, या सिंपली देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x का जब कोएफिशिएंट 1 रहता है तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, t वो मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए, तो x क्या है x माइनस 3 अपॉन a मतलब 2 प्लस c। अब मान लो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, यहां के बाद लेट कर लो, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इट्स ए डायरेक्ट आंसर, और जिसको नहीं समझ में आया वो यहां समझे, लेट x माइनस 3 को मान लो t, तो dx क्या हो जाएगा बेटे, दैट विल बी dt, तो ये होगा देखो dx यहां पे क्या लिखोगे बोलो, dt अपॉन x माइनस 3 को तुमने t माना है तो आएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो x क्या है t, a क्या है 2, प्लग द वैल्यू ऑफ t हियर, तो 1 बाई 2 टेन इनवर्स व्हाट इज t, x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। देखो ऐसे भी आ गया, तो आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो हम प्रॉब्लम 2 करते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2, सेकंड का सॉल्यूशन देखो, सेकंड क्वेश्चन है, डी
3x upon 3x square plus 13x minus 10, ठीक है। तो देखो बेटा इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, देखो इसका पहला तरीका है x के कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाते हैं, तो x के साथ 3 कॉमन ले लो, तो 3 बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा dx upon x square plus 13 by 3x minus 10 by 3 minus 10 by 3। और सेकेंड कॉन्सेप्ट बेटा क्या बताया, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 13 by 3, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 13 by 6 हो जाएगा। यहां देखो x स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट के बीच का साइन प्लस है, तो यहां भी प्लस लिखोगे, x प्लस 13 बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस जो क्वांटिटी यहां है उसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है, माइनस 10 बाई 3। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, देखो यहां रफ वर्क है, देखो तो 13 स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, 13 का स्क्वायर आएगा 169 अपॉन 36 माइनस 10 बाई 3। अब इसको ऐड करो, माइनस अगर कॉमन लोगे तो देखो ये माइनस कॉमन लोगे तो प्लस आएगा, ठीक है, तो ऐड कर लो, यहाँ पे सिंपली तुम्हें ऐड करना है, चलो और सिंपल कर देता हूँ, तो 36 और 3 कैल्सियम क्या होगा 36, तो यहाँ पे आएगा 169 प्लस और 3 कितना आएगा 12, 12 इंटू 10 कितना आएगा बेटा 120, तो ये आपका हो जाएगा 9, 6 प्लस 2 8, 112 अपॉन 36, तो सिंपली यू कैन से 17 बाय 6 का होल स्क्वायर, इज इट ऑल राइट, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, इज इट ऑल राइट, तो सिंपली यू कैन से 1 बाई 3, ये सभी रफ वर्क है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको घेर दिया ऊपर, एरर ना हो। dx अपॉन क्या लिखोगे बेटा, x प्लस 13 बाई 6 का होली स्क्वायर माइनस 17 बाई 6 का होली स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, तो 1 बाई 2 a log x माइनस a, x प्लस a लगा दो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि dx क्या होगा dt x प्लस 13 बाई 6 को अगर t मानते हो, चलो एक स्टेप लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, x प्लस 13 बाई 6 दैट इज इक्वल टू t, देयरफॉर dx इज व्हाट dt, is it all right, so simply you can write 1 by 3 dt upon t square minus 17 by 6 ka whole square, ab x square minus a square kya likhoge 1 by 2a, 1 by 2a, a matlab 17 by 6, 1 by 2a log x minus a t minus a upon x plus a yani t plus a, ठीक है, प्लस सी एंड प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो देखो क्या है, देखो बेटा ये 6 2 3 जा 6, अब ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कटा, क्या बच गया 1 बाई 17 सिर्फ बचा लॉग, अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 60 माइनस 17 अपॉन 60 प्लस 17 एंड प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो सिंपली यू कैन से 1 बाई 17 लॉग टी की वैल्यू क्या है बेटे, देखो टी है एक्स प्लस 13 बाई 6 है ना, यहां पे लिखो 6t, तो देखो 6t की वैल्यू रखो x प्लस 13 अपॉन 6 माइनस 17 अपॉन 6 इंटू x प्लस 13 बाई 6 प्लस 17 का मॉड प्लस c, तो सिंपली यू कैन राइट 1 बाई 17 लॉग, मल्टीप्लाई करो तो देखो 6x, 6 से 6 कटा 13 बच गया, देखो 6 से 6 कटा 13 बच गया, 13 माइनस 17 कितना आएगा बेटा, देखो 13 माइनस 17 माइनस 4 होगा, तो यहां पे तुम माइनस लिख दो माइनस 4, ठीक है 13 माइनस 17 यस अपॉन, देखो 6x प्लस 13 तो 6x प्लस 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा 30 प्लस सी, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, क्लियर। चलो लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन थर्ड, ओके, तो देखो dx अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 2x का रूट है,
dx upon 5x square minus 2x. तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी, तो 5 अगर कॉमन लेते हो तो बाहर क्या आएगा, रूट 5 आएगा, सी केयरफुली, dx अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा, यहां से तुमने 5 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर बचेगा माइनस 2 बाई 5 इंटू एक्स, यस। अब देखो क्या लिखोगे, 1 बाई रूट 5 dx अपॉन, अब इसको इसका तुम करो परफेक्ट स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, ये रूल होता है, ये लिखोगे x माइनस 1 बाई 5, x का कोएफिशिएंट है 2 बाई 5, 2 से डिवाइड करोगे 1 बाई 5, x स्क्वायर और x के बीच का साइन माइनस आ रहा है तो यहां भी माइनस लिख दो, दैट इज होल स्क्वायर माइनस जो क्वांटिटी यहां उसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 बाई a तो रहेगा ही रहेगा, dx बाय रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, log x प्लस x यहां पे क्या है, x माइनस 1 बाई 5, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी x माइनस 1 बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 1 बाई 5 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लगाया, देखो ये हमने ये फॉर्मूला लगाया, dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नथिंग बट log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है बेटा। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, नथिंग एल्स। तो 1 बाई रूट 5, ये देखो क्या हो जाएगा, log 5x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस, अब देखो बेटा इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल क्या है ये, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, चलो एक बार करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x बाई 5 माइनस 1 बाई 25, तो ये इसे कटा, तो इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आ गया, 1 बाई रूट 5 log 5x माइनस 1 बाई 5 प्लस अंडर रूट, अब देखो इसको क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 2x बाई 5, यही छोड़ दो, या और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आगे भी कर लो, और एक आंसर और आएगा क्या, यहां प्लस सी तो चलता आएगा, प्लस सी। देखो बेटा जब टाइप इस टाइप का है कि px एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या px एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो देखो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेप वन लिखो, स्टेप वन पहले हम क्या करेंगे, px एक्स प्लस क्यू को इक्वेट px plus q equal to capital A d by dx ax square plus bx plus c, देखो हमें क्या करना है, इसको differentiate करना है, plus capital B, where capital A and capital B are constant, या simply हाँ are constant, ठीक है, एनी कॉन्स्टेंट। तो देखो यहां p की वैल्यू नोन है, q की वैल्यू नोन है, a b c यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नोन है, हमें अननोन क्या है, a और b अननोन है। तो अब देखो क्या करेंगे, कैसे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और उसको हमें यहां पर रखना है, स्टेप वन। स्टेप टू कहता है इक्वेट वैल्यू ऑफ a एंड b, इक्वेट वैल्यू ऑफ a कैपिटल a एंड b, कैसे देखो, कैसे देखो बेटा px plus q है, इसको हम मानेंगे a that is equal to a and derivative of ax square plus bx plus c is 2ax plus b and plus b, now equating coefficient of x and constant on both side, अब क्या करेंगे equating coefficient of x, अब देखो left side में x का coefficient क्या है, p है, और right side में x का coefficient क्या है, a into 2a, ठीक है, a into 2a है, बस a into 2a है, तो यहां से a की वैल्यू निकल गई, यहां से a कितना आ गया, p अपॉन 2a, क्लियर। एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, इधर q, इधर कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में क्या है, q, और राइट साइड में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, p b प्लस b, a सॉरी a स्मॉल b प्लस कैपिटल b। अब देखो हमने कैपिटल a की वैल्यू निकाल दिया है, कितना, p बाई 2 है, तो यहां पे वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा q
क्यू इक्वल टू ए की वैल्यू रखो पी अपॉन टू ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी। तो यहां से कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल बी क्या होगा क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा कैपिटल बी की वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कैपिटल बी की वैल्यू हो गई क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए, इज इट ऑल राइट? एंड कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू यहां पे रख लो। ठीक है, इक्वेट वैल्यू ऑफ एंड बी एंड स्टेप थ्री, देन इंटीग्रेट। ठीक है, तो हमें तीन स्टेप में इसको करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेट पी एक्स प्लस क्यू, यानी ये पी एक्स प्लस क्यू को हम इसे इक्वेट करेंगे ए डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी, वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कॉन्स्टेंट। सेकेंड स्टेप कहता है कि इक्वेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंड इक्वेट कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप कहता है कि ए और बी की वैल्यू निकल गई, तो ए और बी की वैल्यू यहां पे प्लग करो, इसको इक्वेशन स्टार बांध दो। ठीक है, स्टार में प्लग करो, यानी पी एक्स प्लस क्यू को हमें इसे रिप्लेस करना है, एंड देन सिंपली वी हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ? चलो अब हम इस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन क्या कहता है देखो, इंटीग्रेट एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा, इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बताया कि इक्वेट स्टेप वन से एक्स प्लस थ्री को हम क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी एक्स बी, बी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव एंड प्लस बी। अब देखो बेटा, एक्स प्लस थ्री किसके बराबर आएगा बोलो, ए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा तो बोलेंगे टू एक्स माइनस टू प्लस बी। अब एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है वन, और इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है तो बोलेंगे टू ए। देखो टू ए एक्स है सिर्फ, तो टू ए हो जाएगा, तो यहां से ए आ गया हाफ, एंड कॉन्स्टेंट टर्म इधर क्या है थ्री, इधर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस टू ए प्लस बी। अब देखो ए की वैल्यू वन बाई टू रख दो, तो माइनस टू और ए की वैल्यू रखेंगे वन बाई टू प्लस बी, तो ये देखो टू से टू गया माइनस वन प्लस बी, तो बी की वैल्यू आ गई फोर। ठीक है, ए वन एंड बी फोर आ गया। अब इक्वेशन इसको स्टार मान लो, बाय इक्वेशन स्टार। अब देखो अब क्या करेंगे, सी केयरफुली, बाय इक्वेशन स्टार। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव dx, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो x प्लस थ्री को हमने किससे रिप्लेस किया है, ध्यान दो, x प्लस थ्री को हमने रिप्लेस किया है a 2x माइनस टू प्लस बी। तो a क्या आया है तुम्हारा, a देखो आया है 1 बाई टू, तो इसको लिखोगे 1 बाई टू टू एक्स माइनस टू। अब इसको हमें ऐसे ही रखना है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे b, b की वैल्यू आ गई 4, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली x प्लस थ्री आ जाएगा। देखो x प्लस थ्री को हमें रिप्लेस करना है a 2x माइनस टू प्लस बी, प्लग द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, a इज अबाउट 1 बाई टू, तो 1 बाई टू हमने रख दिया, एंड b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, क्लियर हुआ? अपॉन क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, और इसका करो इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब देखो सोचो कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम सेपरेट करेंगे दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो अब इसको t मानोगे तो ऑटोमेटिक dx आ जाएगा 2x माइनस टू dx dt, इसीलिए हमने इसको इसमें रिड्यूस किया। काफी बच्चों के मन में चल रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया, देखो अब सेपरेट करो दिस अपॉन दिस करो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव dx प्लस फोर अपॉन दिस करेंगे, तो इंटीग्रल 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव को टी मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव को मान लो टी, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स माइनस टू डी एक्स, दैट इज नथिंग बट डी टी, इज इट ऑल राइट? तो देखो अब टू एक्स माइनस टू डी एक्स को क्या रखोगे, डी टी। देखो ये टू एक्स माइनस टू डी एक्स जो तुम लोग को दिख रहा है, इसको क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू डी टी। तो देखो अब सिंपली क्या रखोगे, वन बाई टू टू एक्स माइनस टू डी एक्स की हमने रख दिया डी टी, डी टी अपॉन टी।
देखो सिंप्लीफाई हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल आसान हो गया। अब इसको हमने टी माना है, देखो इसको हमने क्या माना है, टी माना है, देखो यहां लिखा है ना टी, तो डी टी बाई टी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसको एज इट इज, ये हमने जैसे पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो तो x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फाइव, ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स, ये तो रह गई, ठीक है। तो डी टी बाई टी का होता है लॉग टी एल एन टी, तो वन बाई टू एल एन टी मॉड में प्लस इंटीग्रल 4 डी एक्स अपॉन, अब देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स, सिक्स को क्या लिखोगे रूट सिक्स का होल स्क्वायर, देखो फाइव माइनस वन सिक्स हो जाएगा, माइनस वन माइनस फाइव माइनस सिक्स, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे बेटा, वन बाई टू एल एन, टी की वैल्यू क्या रखोगे, टी की वैल्यू हम किसको टी माने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव को, तो यहां लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस, अब देखो फोर तो बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो आ जाएगा वन बाई टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव प्लस, देखो टू टू जा फोर, टू बाई रूट सिक्स लॉग x माइनस वन माइनस रूट सिक्स अपॉन x माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी। अब यही पेंसिल छोड़ दो, आगे हमें प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम। तो देखो एक क्वेश्चन और करो, ये दिया है 5x प्लस 3 dx अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है बेटा, रूट से कोई मतलब नहीं है, मैंने जो प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से करना है। तो देखो हम लिखेंगे पुट या रिप्लेस, लिखो पुट से अच्छा वर्ड रहेगा रिप्लेस, रिप्लेस 5x प्लस 3 इक्वल टू a d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, ठीक है। तो सिंपली यू कैन राइट 5x प्लस 3 इक्वल टू a, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 4, ठीक है, प्लस b। अब x का मल्टीप्लायर इधर क्या है 5 और इधर x का मल्टीप्लायर क्या है 2a, तो 2a हो जाएगा 5, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 5 बाई टू, और यहां देखो कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा 3, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है तो बोलोगे 4a प्लस b है। अब a की वैल्यू तुम रखो बेटा, क्या है a की वैल्यू आई है 5 बाई टू प्लस b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, 3 माइनस 10 माइनस 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7, क्लियर। तो अब देखो अभी तुम्हें करना क्या है, इक्वेशन स्टार से यानी 5x प्लस 3 को, देखो बेटे 5x प्लस 3 को तुम रिप्लेस करोगे a 2x प्लस 4 प्लस b। अब यहां पे देखो इंटरगेट कर रहा हूं, 5x प्लस 3 की जगह पे क्या रखा जाएगा a 2x प्लस 4 प्लस b, लिखोगे तो a की वैल्यू रख दो, a कितना आया है, देखो a आया है तुम्हारा 5 बाई टू, तो यू कैन राइट 5 बाई टू 2x प्लस 4 प्लस b, b क्या आया है तो b माइनस 7 आया है, तो यहां पे तुम लिख सकते हो माइनस 7 अपॉन क्या रखोगे बेटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एंड dx। अब देखो सेपरेट करो, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ठीक है, तो आएगा 5 बाई टू टेकन आउट साइड, यस, तो 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है बेटा, माइनस 7 बाहर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। चलो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, देखो कैसे, तो आगे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t मान लो, एक्स स्क्वायर लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू क्या मान लोगे t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस 4
into dx equal to dt. ठीक है, तो अब यहां देखो dx मिसिंग था, तो 2x plus 4dx इसको क्या लिखोगे dt, ये हो जाएगा 5 by 2, अब देखो dt, इस पूरे को dt रखोगे, dt अपॉन अंडर रूट में इसको मान लिया t, तो रूट t लिख दो, ठीक है, माइनस, अब ये एज इट इज रहा होगा 7 dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है बेटे। अब देखो सिंपली बेटे कैसे प्रोसीड करोगे, dt by 2 का dt by root t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 by root t का 2 root t, तो 2 root t minus 7, अब इसको perfect square करो, देखो कैसे perfect square करेंगे, x के coefficient को 2 से divide करते हैं, तो x plus 2 का whole square आएगा, minus 2 का square plus 10, तो यहां पे लिखोगे देखो इस 2 को इस 2 से कटाओ, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस सी भी आ गया, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे, चलो लास्ट में हम कर देंगे, ठीक है, 2 root t, plug the value of t here, तो x square plus 4x plus 10, minus 7, अब देखो, एक step और हमें लिखना पड़ेगा, dx upon under root, x plus 2 का whole square, plus 6, ठीक है, plus 6 लिखोगे, अब देखो, अब हमें क्या करना है, finally, तो यहां के बाद बेटे क्या लिखोगे, 5 under root, x square plus 4x plus 10, ये as it is रहा होगा, minus 7 dx by under root x square plus a square, क्या होता है, log x plus, x यहाँ पे क्या लिखोगे, x plus 2 plus under root x square plus a square, x plus 2 का square plus a square, ठीक है, यानी a square मतलब root 6 का square 6 ही हो जाएगा, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो root 6 का square, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है बेटे, तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो, प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, सी, ठीक है, अब देखो यहां के बाद लिखोगे 5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 ब्रैकेट log x प्लस 2, और जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो वही आ जाएगा जो यहां से हम चले थे, क्या था ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, ठीक है, तो इट विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सबसे पहले तुम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद फिर तुम हाई लेवल के क्वेश्चंस करना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, तो देखो क्वेश्चन 2x plus 3 upon under root 9, sorry, under root x square plus 4x plus 1, ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल है ये, एक बार खुद करो, देखो इसको x, जरा सोचो x square plus 4x का derivative करते हैं तो क्या आएगा, 2x plus 4 आएगा, बट यहां पे क्या है, 2x plus 3 है, तो इसको क्या लिखोगे, 4 minus 1 लिख सकते हो, तो ये देखो इसको a और b में convert करने की जरूरत नहीं है, simplify ऐसे ही कर लोगे, upon क्या लिखोगे, under root x square plus 4x plus 1 into dx, अब क्या करो, separate कर दो, देखो 2x plus 4, 2x plus 4 upon under root x square plus 4x plus 1 dx minus 1 dx upon under root x square plus 4x plus 1, ठीक है बेटा, clear, तो देखो अब इसको कैसे solve करोगे, इसको t मान लो, let कर लो x square plus 4x plus 1 equal to t, तो इसका derivative होगा 2x plus 4 dx that is equal to dt, ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या लिखोगे बेटे, 2x plus 4 dx that is equal to dt, तो simplify करोगे तो इसको लिखोगे dt upon, ये root t है, minus dx upon, अब इसको perfect square कर दो, perfect square करने के लिए क्या करोगे, देखो यहां पे x square plus 4x plus 1 है, तो x के coefficient को 2 से divide करते हैं, तो इसको लिखोगे under root, तो under root रहेगा ही, x plus 2 का whole square, minus 2 का square plus 1, clear, यस, चलो अब देखो बेटा आगे कैसे प्रोसीड करोगे, सी,
इसको लिखो dt by root t का 2 root t माइनस dx अपॉन, अबे एक स्टेप और लिखूंगा फिर फाइनल आंसर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 को लिखोगे रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या लिखोगे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे प्लग कर दो। तो देखो क्या लिखोगे, 2 रूट t, t की वैल्यू क्या रखोगे, t तो वही है क्या, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 था, ठीक है, माइनस, अब देखो इसको क्या लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ dx by root x square minus a square, तो log x plus, तो इसको लिखोगे log x, x यहाँ पे क्या x plus 2 है, plus under root x square minus a square, तो x square minus a square मतलब x plus 2 का whole square minus a square मतलब minus root 3 का square plus c। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस लॉग, इसको लिखोगे x प्लस 2 प्लस, अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपली वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, प्लस c, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट टाइप इंटीग्रल।